कि चार बड़े लाभ बताया करता हूं ना, कि मोटापा, बीपी, शुगर, सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का बैलेंस, संतुलन, ये तो एक लाभ है। 95 से 99% मस्तिष्क की जान शक्ति, हृदय की, और इस हमारे पूरे अस्तित्व का जो की सामर्थ्य की शक्ति है, वो 95 से 99% प्रसुप्त होते हैं। योग से वो सारी शक्तियां जागृत हो जाती है और डीजर्नेट हुए सेल्स रीजर्नेट हो जाते हैं, ब्रेन के, आंखों के, कान के, नाक के, दांतों के, स्किन के, हार्ट के, थायराइड के, फेफड़ों के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, लीवर, किडनी के, हड्डियों के, ब्लड के, डीजर्नेट हुए सेल्स रीजर्नेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसा नहीं होता। और जब सारी स्वाभाविक होगी शरीर की क्रियाएं, तो जिन रोगों को मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि इनको कंट्रोल ही कर सकते, उनको क्योर कर लेते हैं। और जो अंतिम लाभ है योग का, हम नर से नारायण हो जाते हैं, जीव से ब्रह्म हो जाते हैं, सारे दुर्गुण, सारे दोष, सारी पराधीनताओं से, दुर्बलताओं से मुक्त होकर के हम मानव से महामानव हो जाते हैं। भगवान पूरी तरह से हम में अभिव्यक्त हो जाते हैं, यह है।